पूर्णिया के द्वापर कालीन वर्णेश्वर मंदिर पर 15 दिवसीय शिवरात्रि मेला शुरू हो गया है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। वर्णेश्वर धाम को सीमांचल के बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि वरुण ऋषि ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर को पर्यटक स्थल में शामिल करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ये द्वापर काल के हैं ये बाबा, और द्वापर काल से ही यहाँ पर बाबा का ये अभ्युदय हुआ, वरुण ऋषि के द्वारा हुआ। और यहाँ पर लाभ बना था द्वापर काल में, तो युधिष्ठिर पांचों भाई यहीं पर रहे थे और यहीं से वो लक्षागृह से निकल करके गए, जो कि अभी भी सुरंग जो है सो स्थापित है। ये स्थान प्रशासन के द्वारा इसको नहीं देखा गया, ना कोई ऐसा नेता हुआ कि यहाँ का ये उदय हो। और ये पूर्णिया जिला का सबसे बड़ा प्रसिद्ध ये स्थान। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन जलाभिषेक करने के लिए यहाँ दूर दूर से हजारों लोग आए। बीडीओ ने बताया कि प्रशासन द्वारा इस मामले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, जैसा कि इधर आस्था का सैलाब उमड़ता है, उसके हिसाब से कुछ जैसे पिछले साल की घटना है कि कुछ छुरी मुरी चोरी की घटना हो जाती है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई है। कल चूँकि शिवरात्रि के बराती के बाद कल का जो होता है जलाभिषेक, उसमें इस क्षेत्र में चूँकि सबसे बड़ा प्रसिद्ध सिंहेश्वर बाबा मंदिर के बाद है, तो हज़ारों की भीड़ आती है। उनको संभालने के लिए हम लोग सब जगह बैरिकेडिंग वगैरह किए हुए हैं, वाहनों को मतलब वाहन की जगह पर पार्किंग बनाया गया है, उनको वहाँ रखा जाएगा और बाकी कैमरे से हम लोग नजर रखे हुए हैं। कहते हैं कि वरुणेश्वर स्थान में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस देवस्थल की ख्याति और महत्व के कारण लोग इसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।